How to install LED strip light with brake light and indicators. तो friends, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख ही सकते हैं मेरे हैंड में जो LED strip light है friends, जो generally bike के जो पीछे nameplate होती है friends, उसके टॉप में लगती है। और चलिए friends, मैं आपको जो ये market में ऑनलाइन friends ये under 200 अवेलेबल है friends, daily इसके रेट चेंज होते रहते हैं friends। तो मैं ये पर्टिकुलरली तो नहीं बता सकता फ्रेंड्स ये कितने अराउंड आएगा, लेकिन मैं ये इतना बता सकता हूँ कि फ्रेंड्स ये 200 के अंडर ही आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके यूसेज बता फ्रेंड्स, ये आपका टेल लाइट का काम करता है, साथ ही आपका ब्रेक लाइट भी इसमें यूज होता है फ्रेंड्स, और आपके जो इंडिकेटर्स है फ्रेंड्स उसका भी ये काम करता है। तो ये 3-in-1 आप इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी वायरिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें 5 वायर दिए होंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो रेड वाली वायर है फ्रेंड्स, वो आपका ब्रेक लाइट का वायर है फ्रेंड्स। जो ब्लैक वाली जो वायर है फ्रेंड्स वो आपके नेगेटिव है फ्रेंड्स। और जो ब्लो वाले वायर आपका है फ्रेंड्स लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का, जो प्लस में कनेक्ट होगा फ्रेंड्स। जो ग्रीन वाली वायर है फ्रेंड्स वो आपका राइट साइड का इंडिकेटर है फ्रेंड्स, जो राइट साइड के इंडिकेटर का जो प्लस वाली वायर है फ्रेंड्स उसके साथ कनेक्ट होगा। और जो ब्लू वाली वायर है फ्रेंड्स वो आपका रनिंग है, जो आपका जो टेल लैंप है फ्रेंड्स उसमें आप कनेक्ट होगा फ्रेंड्स। सो ये थी फ्रेंड्स वायरिंग की बात। और आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं जो एलईडी स्ट्रिप है फ्रेंड्स उसके पीछे 3M की टेप लगी हुई है फ्रेंड्स। आप इसको जनरली नॉर्मली स्टिक कर सकते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स ये आपको ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, लेकिन जनरली जो ये जो जनरली ये इसको इंस्टॉल जो अपना नेम प्लेट होता है फ्रेंड्स उसके टॉप में ही यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको स्टिक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने एलईडी स्ट्रिप स्टिक कर लिया फ्रेंड्स, और वायर को भी सूटेबल ढंग से मैंने जहाँ हमारा जो वायरिंग पॉइंट है फ्रेंड्स वहाँ तक मैंने ले जा चुका है। आप चलिए फ्रेंड्स मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको थोड़ा सा जूम करके उसको पर्टिकुलरली दिखा दें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको खेमे से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा जो एलईडी स्ट्रिप मैंने जो स्टिक किया है वो उसको दिखा लें, और उसका जो वायरिंग पोर्शन कहाँ से गया है फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं। देखें मैं जो अंडरली इसको लेने की कोशिश किया है, तो मैं चूँकि फ्रेंड्स मेरा जो वायर है फ्रेंड्स वो काफ़ी छोटा था फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से मैंने उसमें एक वायर ज्वाइन किया फ्रेंड्स। तो आपको वायरिंग का जो एंड पॉइंट है फ्रेंड्स आपको कलर वायर के कलर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने उसमें जो वायरिंग है फ्रेंड्स उसको ज्वाइन किया था फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है उसका प्लस वायर आइडेंटिफाई करना होगा, और राइट साइड का जो प्लस वायर है फ्रेंड्स वो आइडेंटिफाई करना होगा, जो आपका नेगेटिव वायर है फ्रेंड्स वो फाइंड आउट करना होगा, और जो आपका टेल लैंप का जो लाइट है फ्रेंड्स वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो सारे वायर फाइंड आउट करने के बाद फ्रेंड्स आप कनेक्शन करेंगे। तो चूँकि फ्रेंड्स मैंने सारे वायर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्टली इसको आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो वाला येलो वाला वायर है फ्रेंड्स, जो मेरा जो लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है फ्रेंड्स उसके प्लस वाले वायर में कनेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्टर आपको नॉर्मली कनेक्ट का एक प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। नॉर्मली आपको इसके वायर को छील लेंगे कटर के ज़रिए, आप जिसमें भी आप सूटेबल हो, और उसको जिसमें बीच में जो होल है फ्रेंड्स आप उसमें इसको अंदर लेके इसको बैंड कर लेंगे फ्रेंड्स। बैंड करने के बाद फ्रेंड्स इसको आप नॉर्मली जैसे आपने निकाला था वैसे इसको कनेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये तो रही है फ्रेंड्स आपके जो लेफ्ट इंडिकेटर की जो बात। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे राइट इंडिकेटर के फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके जो वायरिंग में आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसमें वायर ज्वाइन किया है इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। बाकी जो आपकी वायरिंग जो कलर है वो सेम ही रहेगी फ्रेंड्स। हो सकता है कि फ्रेंड्स आपके जो टेल लैंप की जो वायर है फ्रेंड्स
और आपको ब्लू कलर में भी देखने को मिले या वाइट या वाइट कलर में भी देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों कलर उसमें जनरली आते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे में जो आया है फ्रेंड्स वो ब्लू कलर का था, और हो सकता है कि आपको कई कंपनी अलग 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 कलर के वायर्स अलग अलग चूज़ करती है फ्रेंड्स, तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जनरली जो है ब्लू और वाइट में आपका देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको राइट वाले इंडिकेटर के वायर राइट वाला जो इंडिकेटर का वायर है फ्रेंड्स, उसके प्लस में मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स नॉर्मली आपको इसको पुश ही करना है। तो ये तो रही फ्रेंड्स राइट साइड के इंडिकेटर के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो नेगेटिव वाली वायर फ्रेंड्स, मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा उसको थोड़ा जूम कर ले। तो फ्रेंड्स, मैंने जो नेगेटिव वायर है वो कनेक्ट कर ली है, और अब बात करते हैं फ्रेंड्स ब्रेक लाइट की वायर की। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो ब्रेक लाइट की जो वायर है फ्रेंड्स उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। और लास्ट में बारी आती है फ्रेंड्स हमारे टेल लैम्प की, जिसमें आपको एक डायोड कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। डायोड की जो डिटेल्स है फ्रेंड्स वो आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सारे वायर कनेक्ट कर लिए हैं, और चलिए फ्रेंड्स अब इसको मैं सूटेबल ढंग से इसको पहले अंडरग्राउंड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने सारे वायरिंग कंप्लीट कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने जो सीट है उसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो हमने एलईडी स्ट्रिप जो इंस्टॉल किया फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं, चूँकि फ्रेंड्स अभी डे टाइम में है तो आपको उतना विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये वर्क कर रही है फ्रेंड्स। और अब चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको राइट साइड का इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, जो मेरा राइट साइड का इंडिकेटर है वो भी काम कर रहा है फ्रेंड्स। सेम्बो को रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा इसका जो टेल लैम्प है फ्रेंड वो ऑन करके दिखा दे। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो टेल लैंप है वो वर्क कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये डे टाइम है तो उतना आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। और अब खेमरे से रिक्वेस्ट करूँगा इसको एक बार ब्रेक मार के दिखा दे कि जो ब्रेक वाला पोर्शन वो वर्क कर रहा है नहीं। तो आप ही देख सके आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे सारे जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। If you like this video, please like, comment, subscribe our channel and share with your friends. Thank you friends for watching.